हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉइन मास्टर एमडी में। तो आज बात करेंगे 5 रुपया कॉइन्स के बारे में। तो ये देखिए दोस्तों, ये है दोस्तों 1994 वाला 5 रुपये का कॉइन्स, ये देखिए। तो इसी कॉइन्स के बारे में आज आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, ऐसा वाला कॉइन्स आप लोगों का पास भी है तो आप लोग क्या क्या इस कॉइन्स में चेक करना है, वही मैं मेरे वीडियो में आज आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, ऐसा वाला जो कॉइन्स है, ऐसा वाला कॉइन्स को डाला गया था 1992 से लेकर 2004 तक। तो दोस्तों, ये कॉइन्स है 1994 का। तो दोस्तों, ऐसा वाला कॉइन्स का मेटल होता है कॉपर निकल, वेट है 9 ग्राम, साइज है 23 mm, शेप है सर्कुलर। तो दोस्तों, इस कॉइन्स में आपको देखना है इस कॉइन्स का एज, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसा जो 5 रुपये का कॉइन्स है, ज़्यादातर ऐसा वाला 5 रुपये का कॉइन्स में एज आता है सिक्योरिटी एज, ये देखिए। लेकिन दोस्तों, ये जो 5 रुपये का कॉइन्स है, इस कॉइन्स का एज दोस्तों सिक्योरिटी एज नहीं है, अलग एज है। तो ये देखिए इस कॉइन्स का एज, ये दोस्तों 1994 का कॉइन्स है, इस कॉइंस का एज दोस्तों अलग है। तो दोस्तों, ये देखिए इस कॉइंस का एज, ये है दोस्तों रिडिटेज, ये है दोस्तों रिडिटेज। और दोस्तों, इस कॉइंस में आपको प्लेन एज भी मिल सकता है, आपको ध्यान में रखना है इसका एजेस। तो जानेंगे इस कॉइंस का क्या है प्राइस लास्ट में। तो दोस्तों, बात करते हैं इस 5 रुपया कॉइन्स की, ये देखिए दोस्तों, ये है दोस्तों 1997। तो दोस्तों, 1997 में इस कॉइन्स को इंडिया का चारों मिंट से डाला गया था, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट से। तो दोस्तों, सबसे महंगा जो है वो है दोस्तों कलकत्ता मिंट का कॉइन्स, ये देखिए मेरे हाथ पर जो कॉइन्स है, ये दोस्तों कलकत्ता मिंट का कॉइन्स है। तो दोस्तों, आपको भी कलकत्ता मिंट का जो कॉइन्स है यही अपनी कलेक्शन में रखना है, कलकत्ता मिंट कॉइन्स का ही ज़्यादा प्राइस है। तो दोस्तों, जानते हैं इस कॉइन्स का प्राइस। तो कलकत्ता मिंट कॉइन्स का प्राइस है 10 रुपया से 100 रुपया तक, फाइन कंडीशन में 10 रुपीज़ और ENC कंडीशन में 100 रुपीज़, 1997 वाला कलकत्ता मिंट कॉइन्स का प्राइस है। तो दोस्तों, इस कॉइन्स में आपको इस कॉइन्स का एज देखना है। तो दोस्तों, ये देखिए इस कॉइन्स का एज, ये दोस्तों सिक्योरिटी एज है। लेकिन दोस्तों, ये जो कॉइन्स है, इस कॉइन्स का एज दोस्तों अलग है। ये भी दोस्तों 1997 का कॉइन्स है, ये देखिए इसका ईयर्स 1997। लेकिन दोस्तों, इस कॉइन्स का एज दोस्तों अलग है। तो दोस्तों, ये देखिए इस कॉइन्स का एज, ये दोस्तों प्लेन एज है। लेकिन दोस्तों, 1997 का जो कॉइन्स है, ये ज़्यादातर दोस्तों सिक्योरिटी एज में आया है, लेकिन ये दोस्तों 1997 का कॉइन्स प्लेन एज में आया है। तो प्लेन एज का प्राइस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, जानते हैं प्लेन एज और रिडिटेज कॉइन्स का प्राइस। तो दोस्तों, 1994 का जो रिडिटेज है, 1994 का रिडिटेज का प्राइस है ENC कंडीशन में 1000 रुपीज़ तक। और दोस्तों, ये दोस्तों फाइन कंडीशन का कॉइन्स है, तो इसी कंडीशन में रिडिटेज का प्राइस होता है 200 रुपया या 300 रुपया तक। लेकिन ENC कंडीशन में रिडिटेज कॉइन्स का प्राइस है 1000 या 1500 रुपया तक। तो आपको एज में ध्यान रखना है। तो दोस्तों, 1997 का जो प्लेन वाला एज है, तो दोस्तों 1997 प्लेन वाला कॉइन्स का प्राइस है ENC कंडीशन में 1000 रुपीज़ तक, फाइन कंडीशन में इस कॉइन्स का प्राइस है 300 रुपया। और दोस्तों,
यूएनसी कंडीशन में इस कॉइन्स का प्राइस है 1000 रुपीज तक। तो आपको भी एज पे ध्यान देना है आप। तो दोस्तों आपको भी मिल सकता है प्लेन एज या रेडिड एज का कॉइन्स। तो दोस्तों वीडियो में थोड़ा सा भी जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं दोस्तों नोट एंड कॉइन्स के बारे में आप लोगों को सही और सच्ची जानकारी देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।